देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों से खुलने वाली 9 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन कर देशवासियों को सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं पटना से हावड़ा तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का पटना साहिब स्टेशन पर हुआ स्वागत। पटना साहिब स्टेशन पर कमर्शियल स्टॉपेज के साथ वंदे भारत का हुआ ठहराव। वहीं गार्ड, ड्राइवर एवं चढ़ने वाले यात्रियों का स्वागत अंगवस्त्र कर एवं बुके देकर किया गया। वहीं डॉक्टर विनोद अवस्थी ने बताया कि पटना साहिब में स्टॉपेज मिलने से काफी फायदा होने की संभावना है, क्योंकि पटना जाकर और पटना लौटने के दोनों क्रम में लोगों को परेशानी और खर्च है, जिसे दूर किया जाना अत्यंत आवश्यक था। सभी रेल अधिकारी, गाड़ी परिचालन अधिकारी, पूर्व के DRM, वर्तमान के DRM का इसमें बहुत ज्यादा समावेश मिल बैठकर राजेश शुक्ला, टिल्लू और विनोद अवस्थी ने किया, तब यहां स्टॉपेज प्राप्त हुआ है। रेलवे पदाधिकारियों का स्वागत अंगवस्त्र, गुरुद्वारा के पिन्नी प्रसाद और माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं वंदे भारत चलाने के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री को अपनी ओर से पटना साहिब की जनता की ओर से बधाई दी है। इस कार्यक्रम में दैनिक यात्री संघ के सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार अवस्थी, पूर्व ZRUCC पंडित राजेश शुक्ला, टिल्लू, सुजीत कुमार कशेरा, अभय जायसवाल, विनय जायसवाल, डॉक्टर तुषार आर्या, अरविंद सिंह, फखरुद्दीन अहमद, संजय चौधरी, रोहन कृष्णा, गौतम कुमार, रामेश्वर पासवान, सुजीत कुमार, वरुण पासवान, नरेश कुली उपस्थित थे। सौर भारत की ओर से राकेश रंजन की एक रिपोर्ट। वंदे भारत का पूर्ण स्टॉपेज पटना साहिब में कॉमर्शियल के हिसाब से आज से चालू हुई गाड़ी, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी को, रेल मंत्री जी को, और इससे पहले DRM थे प्रभात कुमार जी, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया, और CPTM बीबी गुप्ता जी, हमारे ECRGM और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारीगण, रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारीगण। पिछले 1.5-2 महीना से काफी प्रयास किया जा रहा था हमारे और विनोद अवस्थी के द्वारा और यहाँ के लोगों के द्वारा और गुरुद्वारा के प्रधान सरदार जसजोत सिंह सोही जी द्वारा, इंद्रजीत सिंह जो महासचिव हुए उनके द्वारा काफी प्रयास किया गया। उसके बाद स्टॉपेज पटना साहिब में हुआ, इसके लिए हम रेल प्रशासन को और यहाँ के लोकल जनता को बहुत बहुत अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं। जय हिंद। देखिए, वंदे भारत पटना से चली हावड़ा के लिए और पूरे देश में 9 वंदे भारत उस डेट में लिया गया था, अब तक 34 वंदे भारत हो चुका है। इसके लिए हम स्वागत करते हैं देश के प्रधानमंत्री का भी, साथ ही रेल के उच्च अधिकारी जो परिचालन विभाग के हैं और पूर्व के जो DRM प्रभात जी थे, उन्होंने अपनी पहल इस पटना साहिब के बारे में दिया, और साथ ही साथ मीटिंग अरेंज हुआ, हम और टिल्लू जी बैठ करके वहाँ मीटिंग में बात की कि आखिर जन शताब्दी जब यहाँ नहीं रुक रहा था तो उसका अर्निंग कम था, इस तर्ज पर कि पटना साहिब से व्यवसायी, धार्मिक स्थल और पौराणिक स्टेशन है, 162 वर्ष ये हो चुका पटना स्टेशन इसका पहला नाम रहा है, और उस स्टेशन पर अगर गाड़ी नहीं रुकती है तो पैसेंजर के आवागमन के वजह से आपकी अर्निंग कम हो सकता है। इस वजह से हम लोगों ने इस बात का वहाँ पे रखा और इस बात को माना गया। मानने के बाद आज पटना साहिब में विधिवत कॉमर्शियल स्टॉपेज 26 तारीख से वंदे भारत पटना साहिब से चली, और हम लोगों ने गार्ड, ड्राइवर, सभी उसमें यात्रियों को भी स्वागत किया। इसमें मेन बात यह है कि कॉमर्शियल होने के बावजूद भी हम पटना साहिब में स्वागत कर रहे हैं जनता का भी और रेल अधिकारियों का भी। वंदे भारत की यहाँ पे जो विधिवत आज उद्घाटन हुआ है और यहाँ पे स्टॉपेज किया गया है पटना साहिब में, कई लोग हैं, कई बड़े बड़े यहाँ पे नेता, लेकिन किन्हीं ने पटना साहिब में बहुत सी महत्वपूर्ण गाड़ी का यहाँ पर स्टॉपेज नहीं कराया, और आज जो वंदे भारत स्टॉपेज हुआ है वो ध्यान हमारे कांग्रेस के जो टिल्लू जी, हम लोगों ने मिलके इसके पहले भी श्रमजीवी, इसके बाद हमारी जो जन शताब्दी बनी और कमला जो दरभंगा से दरभंगा गाड़ी जाती है, सभी गाड़ी का स्टॉपेज हम लोग ने बहुत ही मेहनत करके, जिसमें लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री हुआ करते थे, उस समय से हम लोगों ने पटना साहिब पे जो मुख्य गाड़ी है यहाँ पर रुकवाने का काम किया। आज उसी क्रम में वंदे भारत को भी हम लोगों ने यहाँ पे रुकवाने का, हमारे
जी अवस्थी जी, हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे स्टॉपेज दिया कि पटना साहिब के लोगों को भी ये वंदे भारत की सुविधा मिले, उन्हें पटना जंक्शन नहीं जाना पड़े। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज, जगमोहन लाल शिव रतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।